आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी कमर कसते हुए आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत का लक्ष्य रखते हुए बदलाव यात्रा के जरिए जन जन तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई है। बदलाव यात्रा का ये काफिला पूह से शुरू होकर रिकांगपिओ पहुंचा, जहां बाजारों से होती हुई बदलाव यात्रा को लोगों का भी खूब समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ा। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह का कहना था कि हिमाचल की जनता अब बड़ा बदलाव चाहती है और साथ ही दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर विकास भी, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान अब जनता के सामने बड़ा विकल्प बनकर आम आदमी पार्टी उभरी है और जनता उसका समर्थन करते हुए हिमाचल की सत्ता की चाबी उसे सौंपेगी, ये उनका कहना था। नमस्कार, मैं इंजीनियर शेर सिंह ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। मेरे साथ भगवंत सिंह जी हैं, ये भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ये जो बदलाव रथ यात्रा आप देख रहे हैं, ये आज 17वां दिन है इस बदलाव रथ यात्रा का। ये पांगी जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, वहाँ से शुरू हुई थी और कुल्लू, मंडी, रामपुर, भानी वगैरह होते हुए आज यहाँ किन्नौर विधानसभा में पहुँची है। बदलाव तो हर 5 साल बाद यहाँ पे होता ही है। लगभग 1977 के बाद लोग, हिमाचल प्रदेश की जनता हमेशा दुखी होती थी सरकार से और दुखी होकर गुस्से में वोट करती थी। बीजेपी से दुखी होती थी तो कांग्रेस को वोट कर देती थी, फिर जब कांग्रेस से भी दुखी होती थी तो गुस्सा तो होता था लेकिन करना क्या होता था, दोबारा बीजेपी को वोट देना पड़ता था। तो इस बार जो बदलाव है, ये बड़ा बदलाव है। तो ये रथ यात्रा है, बड़े बदलाव के लिए ये रथ यात्रा की गई है। आम आदमी पार्टी जो इंडिया की सबसे ज़्यादा रफ्तार से कम समय में बढ़ने वाली पार्टी है और जिस पार्टी को आज पूरा भारत देश जिस पार्टी की तरफ देख रहा है, क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं, जो इस पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी नीतियों के कारण, ऐसी नीतियां जो स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य हर तरह की जो भी उनकी नीतियां थी, उनके लिए, उनको देखने के लिए, उनके प्रोग्राम्स को देखने के लिए इंडिया से हर जगह से लोग नहीं आए, विदेशों से भी लोग वहां तक पहुंचे। तो जैसे ही पंजाब में 10 मार्च को यहां पे पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई, तो हिमाचल के लोग भी अब ये चाह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे यहाँ भी आम आदमी पार्टी का जो सरकार